हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19। आज से हमारा ये छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले आप लोगों को दो चार बातें बतानी है, ध्यान दीजिएगा इस पर। इस बार जो आपका गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल या ऑथेंटिक इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ आया है या जो उसके बुक्स आए हैं, उसे जब आप पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में। यदि आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल जाएगी कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के डाटा और सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा ही आपस में मैच नहीं हो रहा है। यदि आप इस पर और रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा ही करेक्ट है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे करेक्शन होगा मैं आपको करेक्ट कराते जाऊँगा। साथ ही साथ ये जैसे ही हमारे ये इकोनॉमिक सर्वे वाला आपका सीरीज कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको प्रॉपर इसका एक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, प्लानिंग तो है वैसे बुक पब्लिश करने की, लेकिन देखते हैं दिसंबर एंड तक जैसे भी प्लानिंग रहेगा, या तो मार्केट में आपको बुक अवेलेबल होगा, अगर बुक अवेलेबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपका हैंड रिटन पीडीएफ आप लोग को तो बता दूंगा कि कब आ रहा है आपका हमारा नोट्स करके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम आज कवर करेंगे अध्याय एक, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक, देखिए आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति पहले नंबर पर है जीडीपी के आधार पर। जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, देखिए जो मैं आपको मिस्टेक बोल रहा था वो मिस्टेक यही है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे की ऑथेंटिक सोर्स जिसे माना जाता है, तो उसके पहले अध्याय के पहले पेज के पहले ही लाइन पे ये मिस्टेक किया गया है। उसमें क्या दिया है कि भारत वर्तमान में जीडीपी के आधार पर विश्व की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दसवीं या ग्यारहवीं ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक, जो ये दसवीं और ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था जो उसने बताया है वो 2014 के आंकड़े है। जबकि आपको यदि आप मेरे वीडियो सीरीज कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं बताया था, आई थिंक जुलाई मंथ या अगस्त मंथ का ये करंट अफेयर था कि कि आपका जो भारत है, भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत पहले सातवें पोजीशन पे था, उसने फ्रांस को रिप्लेस करके सिक्स पोजीशन पे आ गया है हमारा इंडिया। ठीक, अगर आपको इसका ऑथेंटिक सोर्स जानना है क्या है करके, तो जो आपका 1 फरवरी को जो पीयूष गोयल जी ने आपका केंद्रीय बजट जब उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने अपने बजटीय भाषण के दौरान भी कहा था कि वर्तमान में भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जा करके वहाँ से बजट स्पीच करके एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में पीडीएफ है, सेकेंड नंबर पेज के 6th नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि भारत वर्तमान में विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, इसमें देखिएगा $2.597 ट्रिलियन के साथ वर्तमान में भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं वर्ष 2017 तक के आंकड़े, जिसे विश्व बैंक ने पिछले साल 2018 में अपनी रिपोर्ट में जारी किया था और बताया था कि वर्तमान में भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले नंबर पर है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे नंबर पर है जर्मनी, पांचवें नंबर पर है ब्रिटेन और छठवें नंबर पर है हमारा इंडिया और सातवें नंबर पर है आपका फ्रांस। ठीक, तो $2.597 ट्रिलियन के साथ वर्तमान में भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे फॉलो कर रहे हो, या कोई भी मार्केट में भी आप सभी को मालूम होगा एक दो मैगजीन आ चुका है आर्थिक सर्वेक्षण के, उन्होंने भी उसमें ये मिस्टेक किया है। उन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे का बुक है उसे उठा के कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक, उन्होंने भी भारत को विश्व की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताया, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके क्रय शक्ति समता अनुपात, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता अनुपात के आधार पर वर्तमान में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेसिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता अनुपात के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है आपके व्यापम के एग्जाम में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। इसमें ये डाटा याद रखिएगा, स्पेशली $2.597 ट्रिलियन वाला। देखिए क्रय शक्ति समता
अनुपात के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत। जीडीपी और क्रय शक्ति क्षमता अनुपात में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन आगे के टॉपिक में हम कवर करेंगे। जीडीपी, आपके जेब में जितना भी रुपया है, आपके पास जितने भी पैसे हैं आपके जेब में, वो आपका जीडीपी कहलाएगा। क्रय शक्ति क्षमता अनुपात, आपके पास जो पैसे आपके जेब में मौजूद है, आप उस पैसे से कितने सामान खरीद सकते हैं, वो कहलाएगा आपका क्रय शक्ति क्षमता अनुपात। क्रय शक्ति क्षमता अनुपात किन्हीं भी दो देशों के मध्य एक प्रकार की वस्तु, किन्हीं भी दो देशों के मध्य एक प्रकार की वस्तु और सेवाओं की कीमतों में अंतर को दर्शाता है। अगर साधारण शब्दों में बोलूं तो एक डॉलर का 70 रुपए कैसे काउंट होता है, वो काउंट होता है क्रय शक्ति क्षमता अनुपात। मतलब क्रय शक्ति क्षमता अनुपात जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसका एक फैक्टर है ये, ठीक। जैसे मान लीजिए ये जो आपका क्रय शक्ति क्षमता अनुपात है, ये वस्तु की मात्रा और वस्तु की मौजूदा कीमतों पर इसका निर्भर करता है, वस्तु की मात्रा और वस्तु की मौजूदा कीमतों पर। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर का अभी वर्तमान में इसका प्राइस है आपका 70 रुपए, ठीक। यानी अगर इस मार्कर को मुझे मार्केट से खरीदना है इंडिया में तो मुझे 70 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर यही मार्कर आप अमेरिका में खरीदेंगे तो इसी मार्कर को, एक समान की वस्तु है, अमेरिका वाले इस मार्कर को खरीदने के लिए कितना पे करेगा, $1। तो ये दर्शा रहा है कि आपके पास जितने भी पैसे मौजूद है आप उस पैसे से कितने वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 70 रुपए में आपका एक मार्कर मिल रहा है, तो वहां पे $70 में आपके 70 मार्कर मिल जाएंगे, ठीक। यही बताना चाह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विकास दर, विकास दर 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर। यहां मैं आपको केवल स्थिर कीमतों के आंकड़े को ही बता रहा हूं, स्थिर कीमतों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रचलित कीमतों को आगे हम और कवर करेंगे, ठीक। स्थिर कीमतों के आधार पर वर्तमान में भारत का जो विकास दर है, स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2018-19 के लिए भारत का जो विकास दर रहा वो है आपका 7.2%, 7.2%, जबकि स्थिर भाव पर वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो रहा आपका 6.08%। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक। तो ये स्थिर कीमतों पर ये आंकड़ों को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में, अभी एक दो महीने पहले ही एक रिपोर्ट जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने, उसमें आपके वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जो भारत का जो विकास दर है, किसके लिए, 18-19 के लिए भारत का जो विकास दर है वो है 7.2%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक ने जो अभी 2019 में जो रिपोर्ट जारी किया उसके अनुसार भारत का जो आपका विकास दर है या विकास दर था वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वो था आपका 7.2%, जबकि 19-20 के लिए वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भारत का विकास दर रहेगा 7.5% अनुमानित है। 18-19 के लिए 7.2% रहा, 19-20 के लिए 7.5% रहना अनुमानित है, ठीक। वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में भारत की महंगाई दर के बारे में बताया है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए। देखिए यहाँ 18-19 है, यहाँ बात हो रहा है 19-20 का, 19-20 के जो भी आंकड़े रहेंगे वो अनुमानित रहेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि भारत का जो विकास दर है वो 7.2% रहा, किस लिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत का जो विकास दर है वो कितना रहेगा, 7.5% रहना अनुमानित है। भारत में महंगाई दर, भारत ने महंगाई दर 4% वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत में जो महंगाई दर है वो 4% रहना अनुमानित है, ठीक। इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये, आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेंगे, अलग से करंट अफेयर का टॉपिक था तो मैंने सोचा इसको ऐड कर देता हूं, इसे भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में छत्तीसगढ़ से। देखिए जनगणना 2011, जनगणना 2011 जिसके अनुसार आपका छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2.55 करोड़। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है आपका 2.55 करोड़। इस 2.55 करोड़ के साथ भारत की कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़
भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है और इस 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ छत्तीसगढ़ भारत का 16वां बड़ा राज्य है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रश्न है, पूछ सकता है। ठीक, अब आता है लिंगानुपात, सकल लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है आपका 991। ठीक, छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात या सेक्स रेशियो है आपका 991 यानी 991। ठीक, इस 991 लिंगानुपात के साथ छत्तीसगढ़ लिंगानुपात के क्रम में 5वां बड़ा राज्य है। ठीक, अब देखिए ये तो था सकल लिंगानुपात। अब यदि हम इसे क्लासिफाइड करें तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, शहरी क्षेत्र का कितना है, अनुसूचित जाति का कितना, अनुसूचित जनजाति का कितना है। तो अभी तक एग्जाम में अनुसूचित जनजाति से पूछा जा चुका है और ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात से आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि इससे आगे भी प्रश्न बने। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है आपका 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है 956, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 994 और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 1020। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 994 और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है आपका 1020। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेपरेट प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए कुछ रिपोर्ट जिसमें है आपका मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। ठीक, इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है? मातृत्व मृत्यु दर प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या, क्या बात कर रहा हूं, प्रति लाख। मातृत्व मृत्यु दर लाख में काउंटिंग होती है, ठीक है इसकी। तो प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक, देखिए ये मातृत्व मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है आपका संस्थागत प्रसव के स्थान पर आपका परंपरागत प्रसव, यानी महिलाएं जो आपके हॉस्पिटल शासकीय हो गया या आपके प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका प्रसव न करवा करके वो घरों में आपकी डिलीवरी कराई जाती है, जिसके कारण आपके माताओं के जीवन में खतरा रहता है। ये मुख्य कारण है आपके मातृत्व मृत्यु दर का। ठीक, तो देखिए मातृत्व मृत्यु दर जो कि भारत का है आपका 130 प्रति लाख, भारत का मातृत्व मृत्यु दर है आपका 130 प्रति लाख, जबकि छत्तीसगढ़ का मातृत्व मृत्यु दर है आपका 173 प्रति लाख। छत्तीसगढ़ वाले को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि मातृत्व मृत्यु दर में सबसे बेहतर स्थिति में कौन सा राज्य है पूछा जाए, तो सबसे बेहतर स्थिति में आपका अच्छा सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य है आपका केरल, जिसमें 46 प्रति लाख है आपका मातृत्व मृत्यु दर, जबकि सबसे खराब कंडीशन में, सबसे खराब स्थिति में आपका असम, जिसमें है मातृत्व मृत्यु दर 237 प्रति लाख, यानी पूरे भारत भर में सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? आपका असम। बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर प्रति हजार शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या आपके शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। इसमें 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। इसके ही बहुत सारे कारण है, कुपोषण है या उन्हें सही टाइम पे आपकी उचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है शिशु मृत्यु दर में। ठीक, देखिए इसमें ये जो आंकड़े हैं ये 2016 तक के आंकड़े हैं, जबकि मातृत्व मृत्यु दर का आंकड़ा 2018 का आंकड़ा था। ठीक, तो शिशु मृत्यु दर जो कि है भारत का 34 प्रति हजार, यानी 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से 34 बच्चे मृत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत से कारणों से, कुपोषण से, उचित चिकित्सकीय सुविधा उन्हें मुहैया नहीं होती या उचित पोषण उन्हें माता के गर्भ में रहने के दौरान उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता, बहुत से फैक्टर है इस शिशु मृत्यु दर के। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो शिशु मृत्यु दर का जो आपका आंकड़ा है वो है आपका 39 प्रति हजार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस शिशु मृत्यु दर में सबसे बेहतर स्थिति में है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, तो वो है केरल। मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में जो सबसे कम आंकड़े आपको देखने मिलेंगे केरल में। ठीक, अब देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GDP में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसमें जो क्षेत्रवार जो प्रतिशत वृद्धि हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है हम इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं, स्थिर कीमतों पर।
देखिए, अगर आपसे कहीं पर भी आपके इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे आंकड़े से कोई प्रश्न पूछता है, यदि उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यदि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है या विकास दर कितना है, उसमें मेंशन नहीं है स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है कि प्रचलित कीमतों पर पूछ रहा है, यदि उसमें ऐसा मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन पे आपको आंकड़े कौन से लेना है, स्थिर कीमतों पर, ठीक। और यदि उसने मेंशन कर दिया स्थिर कीमतों पर पूछा है या फिर उसने अलग से उसमें हाईलाइट करके बता दिया है कि प्रचलित कीमतों पर, तो आप वैसा आंसर लेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है कि प्रचलित कीमतों पर पूछ रहा है, यदि आप उसमें क्लियर नहीं है तो आपको जो आंकड़े लेना है वो स्थिर कीमतों पर लेना है, स्थिर भाव पर लेना है, ठीक। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा आपका फोकस कर रहा हूँ स्थिर कीमतों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए, क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ है आपका क्षेत्र प्रतिशत वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, ठीक। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए हर क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, विगत पाँच वर्षों में औसत वृद्धि, विगत पाँच वर्षों में औसत वृद्धि मतलब वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर के 2018-19 यानी पिछले पाँच वर्ष में जो विकास दर की औसत वृद्धि कितनी रही, ठीक, पिछले पाँच वर्षों का औसत एवरेज, और कुछ विशेष विकास दर जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले एक दो साल से, ठीक। देखिए, कृषि क्षेत्र, सबसे पहले जो आपको ये दो चीज बता रहा हूं उसको पहले याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेपरेट याद कीजिएगा। कृषि क्षेत्र जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर भाव पर विकास दर रहा आपका 3.99%, कृषि क्षेत्र का विकास दर स्थिर भाव पर कितना रहा, 3.99%, 3.99%। उद्योग क्षेत्र का आपका विकास दर रहा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर था आपका 5.36%, 5.36%, ठीक। सेवा क्षेत्र का जो था, सेवा क्षेत्र का आपका वृद्धि दर या विकास दर स्थिर कीमतों के आधार पर था आपका 6.93%, 6.93%, ठीक। और आपका ये जीडीपी ग्रोथ रेट यदि ओवरऑल देखें तो ओवरऑल आपका जीडीपी ग्रोथ रेट ये है आपका 6.08%, ठीक, 6.08%। इसे याद रखिएगा, इसे सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है, साल भरे के किसी भी एग्जाम में एक ना एक जगह इनसे सेपरेट प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए, विगत पांच वर्षों में यानी आपका वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2018-19 पिछले पांच वर्षों में ये कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई, एवरेज ग्रोथ रेट पूछ रहा है इसमें, ठीक। तो वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लिए जो कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि दर रही, औसत वृद्धि दर रही, वो थी आपका 5.34%, 5.34%, ठीक। उद्योग क्षेत्र के लिए विगत पाँच वर्षों में औसत वृद्धि यानी वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एवरेज ग्रोथ रेट रहा आपका 4.07%, 4.07%, ठीक। सेवा क्षेत्र के लिए विगत पांच वर्षों में औसत वृद्धि वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लिए आपका एवरेज ग्रोथ रेट रहा आपका 5.87%, 5.87%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिछले साल एक एग्जाम में पूछा गया था आपका कृषि क्षेत्र के पिछले पांच वर्षों में औसत वृद्धि दर कितना था, इससे प्रश्न पूछा गया था, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक। नीचे तरफ है आपका जीडीपी, जीडीपी में पिछले सात वर्षों का पूछा है, जीडीपी में पिछले सात वर्षों का पूछा है, याद रख सकते हैं, वैसे जीडीपी में तो आता नहीं है, 5.66%, 5.66%, ये सभी क्या है, विगत पांच वर्षों के है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, पिछले सात वर्षों का पूछा है इसमें, यानी दो साल और ऐड हुए हैं, तो 5.66%, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे आपको वित्तीय वर्ष याद रखने हैं जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले दो तीन सालों से। देखिए, ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी ये जो पिछले पांच वर्ष है, विगत पांच वर्षों में जो आपका वृद्धि दर हुआ, 2000 आपका 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, ये पांच वर्ष हुए, तो इन पांच वर्षों में, पिछले पांच वर्षों में किस वर्ष आपका कृषि क्षेत्र का जो विकास दर है वो ऋणात्मक में था,
यानी उस साल जो आपका कृषि वृद्धि दर हुआ ही नहीं, आंकड़े जो आए थे वो ऋणात्मक में थे, ग्रोथ रेट ऋणात्मक में था। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2015-16 वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जो आपका कृषि क्षेत्र का विकास दर था वो था आपका -0.95%, ऋण 0.95%। ठीक, वित्तीय वर्ष 2017-18 यानी पिछले साल आप सभी को मालूम होगा कि सरकार ने बहुत से आपके तहसीलों को और विकास खंडों को आपका सूखाग्रस्त घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? मेन कारण यही है, सूखाग्रस्त। बहुत से जनपद आपके सूखा का जो समस्या वहां पे हो गया था, सूखा के समस्या के कारण आपका जो कृषि का जो विकास दर है वो ऋणात्मक था। तो अगर आपसे कारण पूछा जाए कि किस वित्तीय वर्ष में आपका ये जो कृषि विकास दर है वो ऋणात्मक में था, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2017-18। ठीक, वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपका जो विकास दर था वो था आपका -0.95% और वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपका जो विकास दर था वो था आपका -0.68%। कारण क्या था? जनपद में सूखाग्रस्त था। ठीक, इंपॉर्टेंट आपके लिए 2017-18 वाला है क्योंकि पिछले साल का ही आंकड़ा है, पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए पिछले 5 वर्षों में किस वित्तीय वर्ष में कृषि विकास दर सर्वाधिक था? पिछले 5 वर्षों में किस वित्तीय वर्ष के लिए कृषि विकास दर सर्वाधिक था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2016-17, वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपका कृषि विकास दर था आपका 17.71%, 17.71%। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि विकास दर कभी भी 10% से ऊपर नहीं गया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आपका कृषि विकास दर 10% पार करके 17.71% तक पहुंच गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, अब देखिए उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष आपका विकास दर ऋणात्मक रहा? ठीक, उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष आपका विकास दर ऋणात्मक रहा? तो वित्तीय वर्ष 2014-15, वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपका उद्योग क्षेत्र में विकास दर आपका ऋणात्मक था। कितना था? -1.55%, ऋण 1.55% था आपका वित्तीय वर्ष 2014-15 में उद्योग क्षेत्र का विकास दर। ठीक, सर्वाधिक किस वर्ष था? सर्वाधिक था आपका वित्तीय वर्ष 2016-17 में। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उद्योग क्षेत्र का विकास दर विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक था, वो था आपका 9.92%। देखिए, हो सकता है आपको ईयर और परसेंट याद करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन इन चीज़ों को याद करना है। अगर पेपर थोड़ा टफ आया तो आपसे पूछ सकता है, परसेंट से नहीं, परसेंट अगर याद नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन आपको ये वित्तीय वर्ष याद करना है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस वित्तीय वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र का आपका विकास दर सर्वाधिक था, या पिछले 5 वर्षों में किस वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र का आपका विकास दर ऋणात्मक था, तो एक्चुअली में आपको ये ईयर याद रखना है। उद्योग क्षेत्र का याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पिछले 2-3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर में जो ऋणात्मक विकास दर से जो प्रश्न आया है वो कृषि क्षेत्र से आया है। हो सकता है इस बार उद्योग क्षेत्र से पूछ दे, तो आपको तैयार रहना है। देखिए, याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, पहले कंप्लीट कर लेता फिर बताता हूं। देखिए, सेवा क्षेत्र में किस वर्ष, सेवा क्षेत्र कभी ऋणात्मक में गया ही नहीं। सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे विकास दर हर साल बढ़ते ही रहता है, तो सेवा क्षेत्र का जो विकास दर है पिछले 5 वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक रहा, तो ये है आपका वित्तीय वर्ष 2017-18, यानी पिछला साल। वहाँ उस समय था आपका इसका वृद्धि दर सेवा क्षेत्र का था, वो था आपका 9.07%, 9.07%। देखिए, अब आपको याद कैसे करना है, आपको ये जैसे समझ लीजिए कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का आपको कब ऋणात्मक रहा कब धनात्मक रहा आपको ईयर याद करना है। ठीक, अभी हम कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19। तो इससे ये वित्तीय वर्ष 2018-19 से पिछला 3 साल ले लीजिए, पिछला 3 साल मतलब अभी है 2018-19, 18-19 से पहले क्या था 2017-18, 17-18 से पहले 16-17, 16-17 से पहले आपका 15-16, तो हमारे पास कौन से ईयर हो गए, 3 ईयर हो गए, 2015-16, 16-17, 17-18। इस बार के वित्तीय वर्ष 2018-19 से पिछले 3 वित्तीय वर्ष आपको लेने हैं, 2015-16, 16-17 और 17-18, 3 वित्तीय वर्ष हो गए। देखिए, कृषि क्षेत्र में किस वर्ष ऋणात्मक रहा और किस वर्ष धनात्मक रहा,
तीन वित्तीय वर्ष है आपके पास, 2015-16 जिसमें आपका कृषि विकास दर ऋणात्मक था, 16-17 जिसमें आपका कृषि विकास दर धनात्मक था, 17-18 जिसमें आपका कृषि विकास दर ऋणात्मक था। हो गया याद, 2015-16, 16-17, 17-18 तीन डेट या तीन वित्तीय वर्ष आपको याद रखने हैं। 15-16 जिसमें ऋणात्मक था, 16-17 जिसमें धनात्मक था, 17-18 जिसमें ऋणात्मक था। अब आपको धीरे से परसेंट याद करना है। 15-16 जिसमें था आपका -0.95%, 16-17 जिसमें धनात्मक था कितना था, 1771, 1771, 1771, 1771। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना था, 17.71% धनात्मक था। फिर आता है वित्तीय वर्ष 2017-18 जिसमें था आपका ऋणात्मक कितना, -0.68%। ठीक, तो ऐसे करके आप कोई भी ट्रिक लगा करके आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। या तो ईयर याद रखिए, ईयर के साथ यदि आप परसेंट याद रखेंगे तो आप ही के लिए प्रॉफिट है। मेंस यदि आप लिखेंगे तो मेंस में ये सब आंकड़े डालने के लिए काफी काम आते हैं। ठीक, अब देखिए उद्योग क्षेत्र का भी वैसे ही आपको याद रखना है। दो हम क्या पढ़े थे, 15-16, 16-17, 17-18, तो 15-16 से एक साल और आगे ले लीजिए, 14-15, तो उद्योग क्षेत्र में आपका 14-15 ले लीजिए जो कि ऋणात्मक था। उद्योग क्षेत्र का 14-15 ऋणात्मक था, 15-16 कृषि क्षेत्र का ऋणात्मक था, 16-17 कृषि क्षेत्र का धनात्मक था, 17-18 आपका कृषि क्षेत्र का ऋणात्मक था। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आप कोई भी ट्रिक लगा के इन चीज़ों को याद कीजिएगा, आराम से ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं। उसमें क्या है, आपका कुछ आपका विद्युत का पोर्शन डाल दिया है, कुछ खनिज का पोर्शन डाल दिया है, कुछ आपका उद्योग, सेवा, स्वास्थ्य, मतलब आपके आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल 16 अध्याय है। तो वो क्या किया है, 16 अध्याय के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ला करके आपके इस इंट्रोडक्शन वाले आपके अध्याय एक वाले पार्ट में लाके डाल दिया है। तो उसको हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम उस टॉपिक में पहुँचेंगे, जैसे खनिज में पहुँचेंगे, वानिकी में पहुँचेंगे, उद्योग में पहुँचेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हम इन बेसिक चीज़ों को भी वहीं पर कवर करेंगे। यहाँ पढ़ने जाएंगे तो चीज़ें हॉचपॉच हो जाएगी। ठीक, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।